हाय एवरीवन, दिस साइड साक्षी दंजल और मैं स्टे कर रही हूँ जैसलमेर में वॉबिन सफारी के साथ, जो कि एग्जैक्ट लोकेशन पड़ता है आपका फोर्ट के पास, जैसलमेर फोर्ट जैसे कि आपको पता है। एंड आज मैं आपको सारा इस जगह के बारे में बताऊंगी जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज माय रूम फॉर टुनाइट एंड आई एम स्टेइंग विद, आपको लग पता है मैं किसके साथ स्टे कर रही हूँ? मैंने कल प्रॉपर्टी का नेम मेंशन नहीं करा है। सो दिस इज माय मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड दिस इज द व्यू राइट नाउ। मेरे पीछे वाले बिल्कुल व्यू में, अगर आप मेरे सामने वाला रूम ले रहे हो सो वहाँ पे ले पैलेस का व्यू है। एंड दिस इज द वॉशरूम ओवर हियर एंड यू नो कर्टेंस वाला सिस्टम बहुत अच्छा है। पता है यहाँ गीजर नहीं है, जैसे कि यू नो कि यहाँ पे 30 डिग्री का टेम्परेचर जाने वाला है दोपहर को। सो मैं आपको इसका नाम मेंशन कर रही हूँ, दिस इज़ द व्यू ऑलरेडी टोल्ड यू। सामने मेन रोड है जो मेन रोड की तरफ आ रही है, दिस इज़ वेरी नियर टू द पैलेस जैसलमेर का एंड दिस इज़ वेरी नियर टू मेनी प्लेसेस एक्चुअली। एंड अभी 30 डिग्री टेम्परेचर जाने वाला है। वो अभी इन सफारी जैसलमेर के साथ मैं स्टे कर रही हूँ एंड सच में इनके डोमेट्री के प्राइस स्टार्ट होते हैं 250 से स्टार्ट होते हैं। एंड यस, बने रहो, मैं आपको रूम का प्राइस भी बताऊँगी, बाकी जगह पर बनाऊँगी। Yeah, this is beautiful place, isn't it? Okay. So guys, मैं स्टे कर रही हूँ वॉबिन सफारी के साथ और मैं आपको इसके अंदर से दिखाती हूँ कैसा है। बट अभी लाइट गई हुई है, मैं लाइट का वेट कर रही हूँ। और इसके साथ साथ बताइए यहाँ की गलियाँ हैं एंड पता है मैं अभी देखा कि छोटे छोटे बच्चे तक यहाँ मोबाइल यूज़ करते हैं। एंड पता है मतलब मैं सोच रही हूँ जैसे मैं कितनी गर्मी पड़ती होगी, जबकि अभी से गर्मी पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ मैं अगर आपको बताऊँ जगह और कवर करने अपने मतलब स्टेइंग प्लेसेस के अलावा, मैं वेट कर रही हूँ लिटरली लाइट का, रेडी होकर सिलाई थी कि मुझे आज आप लोगों को ये प्लेस दिखानी थी जहाँ मैं रुकी हूँ। दिस इज़ अमेजिंग प्लेस विद द व्यू। मैं जहाँ रुकी हूँ वो फ्लोर में भी व्यू है और जो ऊपर वाला फ्लोर है इनका फर्स्ट फ्लोर, वहाँ से पूरा आपका फोर्ट का व्यू है। आई थिंक लाइट चेक कर लेते हैं एक बार पीछे। पता है यहाँ पे अगर आपको पार्किंग करनी तो आपकी गाड़ी बाहर की तरफ खड़ी हो सकती है एंड मेरी गाड़ी उस तरफ खड़ी है। मैं यहाँ पे लोकल मतलब मकानों के साथ पिक्चर खिंचवाना चाहती हूँ एंड ग्रेसफुली लाइट आ चुकी है, मतलब हम लोग अंदर जा सकते हैं। सो लेट्स गो इनसाइड एंड यस, आई एम गोना शेयर अबाउट द रेट्स। जैसा कि मैं आपको डोमेट्री का रेट सुबह बता चुकी हूँ, आई हैव टू शेयर द रेट्स, आई शो यू अराउंड। नाम साक्षी है बाय द वे, आपका नाम क्या? साक्षी, आई एम दिव्या। दिव्या दीदी कहाँ से हो आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हो लिटरली? हाँ, मैं दिल्ली से हूँ। तो पड़ोसी पड़ोसी एग्जैक्टली पड़ोसी। एक्चुअली मैं नोएडा में रहती हूँ अपने भाई के साथ, वैसे घर मेरा यूपी में है। वो सो यूपी में मतलब यहाँ क्या ऐसे मतलब यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम तो कैसा जा रहा है, इंटरनेट कैसा है? इंटरनेट थोड़ा सा नॉट स्टेबल बट काम चल रहा है। काम चल रहा है मेरा। आई थिंक ये जो है फोर्ट है राइट? या आप गए हो भी फोर्ट में? हाँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस? कैफे है यहाँ पे दो तीन। ओके, यू मस्ट एक्सप्लोर। आई विल एक्सप्लोर। एंड हाउ इज दिस प्लेस जहाँ हम वोबिन में मतलब आप रुके हो? आई लविंग इट। या मतलब कैसे हैं? अच्छे हैं। आई विल टेक टूर विद यू, आ जाओ, कम ऑन, अगर अगर टाइम है तो। अदरवाइज आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यार, वुमन एरिया में हूँ। देन यू हैव द बुक्स एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द डोमेट्री एंड दिस इज अ गर्ल्स डोमेट्री, ये बॉयज़ की डोमेट्री नहीं है। सो आई विल टेक द टूर विद दिव्या। ओके, दिस इज द डोमेट्री विद नो इशूज। हाय इप्सिता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इप्सिता? इप्सित तो आई गेस कि थोड़ी डोमेट्री मैसी मैसी सी हो रखी है। नहीं आता इतना नहीं आता, सो थोड़ी सी टोमेटो मैसी मैसी से हो रखे। आई लव इट, फुल मिरर। हाँ, आई लव द फुल मिरर। मुझे लग रहा मुझे ऊपर आने के रेडी होना पड़ेगा क्योंकि नीचे फुल मिरर नहीं है मेरे रूम में। सबका सेम है,
कहीं पे भी फुल मिरर नहीं है, सिर्फ लड़कियों को आई गेस पार्ट। अच्छा वॉशरूम में भी बहुत बड़ा मिरर है, तो मैं आपको एक बार लड़कियों का वॉशरूम दिखा देती हूँ गाइस। सो वॉशरूम में भी ये लोग कह रहे हैं मिरर है। ओके दिस मच मिरर तो हमारे मतलब नीचे वाले कमरे में भी है। सो पढ़ लो यार इप्सिता राइट, कैसा एक्सपीरियंस, कब से रुके मतलब कब से रुके हुए हो इप्सिता? एक महीना हो गया, कैसा एक्सपीरियंस है? हाँ बहुत अच्छा। कहाँ से हो आप? कोलकाता से। एंड वर्क फ्रॉम होम? वॉलंटियरिंग कर रहे हो? I'll stay in touch with you then, because I am also a full time traveler. ये जगह जो है ना बिल्कुल मेन रोड के पास है एंड आई जस्ट लव द प्लेस। मैं इस वक्त ना ऊपर वाले व्यू से शूट ले रही थी, जो वहाँ से शूट ले रही थी। अब मैं पता है एक रूम और दिखाने वाली हूँ आपको जो बिल्कुल इसके साथ में है, इसी जगह के साथ में, एंड वी आर गोइंग टू डू दैट रूम। पर पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप इस प्रॉपर्टी में रुकना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आप वोमिन की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। एंड रूम कितने तक के हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग मुझसे यही कंसर्न करोगे साक्षी की रूम के प्राइजेस क्या है। सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ रूम के प्राइजेस आपके स्टार्ट होते हैं। डोमेट्री तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पर डे 250 रुपीज़। इट्स रियली चीप ना राइट? सो मतलब बहुत ही अच्छे प्राइस है, पॉकेट फ्रेंडली प्राइस, नॉट चीप, पॉकेट फ्रेंडली एक्चुअली, सो आई एम टेकिंग द वर्ड रॉन्ग। एंड सेकेंड थिंग, जो आपके रूम के प्राइजेस हैं वो स्टार्ट होते हैं 1000 से लेके एंड जाते हैं 3000 तक, एंड ऑब्वियसली सीजनल प्राइस आपको। या सो ये सबसे बेस्ट रूम है और ये मुझे बहुत पसंद आया। मैं भैया से बोल बोल के थक गई, भैया रूम दे दो मेरे को, पर भैया कह रहे गेस्ट आए हैं, इसका व्यू बहुत प्यारा है एंड यार मिरर हमें भी चाहिए यार। सो इसका प्राइस कितना होगा? सबसे आपका सबसे हाईएस्ट क्वालिटी रूम है ना आई गेस? अच्छा ओके, सो मैं आपको ये वाला रूम दिखा देती हूँ गाइस। दिस इज़ द रूम, बेसिकली सारी यूटिलिटीज है रूम के अंदर, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मतलब इसका, क्योंकि व्यू ना बहुत प्यारा है। और भी ऐसे दो तीन रूम हैं, ये रूम आपको पड़ेगा 2000 रुपीज़ का। ओके क्योंकि व्यू इतना प्यारा है तो ये 2000 का है एंड लुक एट इट। लेट्स गो भैया, दूसरा रूम भी दिखा दो। दूसरे रूम तो लगे हुए गाइस, इनकी सफारी भी है वोमिन सफारी के नाम से एंड ऑब्वियसली देयर इज अ नंबर, यू कैन एक्चुअली कैच अप द नंबर। एंड उसके अलावा अगर आपको ये जगह पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, भूलना मत। दिस आर द सफारी पिक्चर्स, अगर मैं सफारी करने जाती हूँ एक दो दिनों में इनके थ्रू तो मैं आपसे पक्का शेयर करूँगी सारी पिक्चर्स एंड सब कुछ। प्लस आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो पिक्चर्स के लिए एंड आई थिंक सो बॉबी देव ये सब आ चुके हैं क्या सफारी करने? हॉन्टेड विलेज तो हमें भी जाना है, वी विल गो, मतलब हाँ मेरे को तो जाना ही है, सो आई टेक माई कार टू द हॉन्टेड विलेज। अच्छा एक चीज बताओ, माई कार कैन गो आराम से और सब यहाँ पे भी जा सकती है कार मेरी? तो फिर मैं काम करूंगी, मैं अपनी गाड़ी लेके खुद चली जाऊंगी यहाँ पे। अच्छा ओके, तो मतलब बेसिकली सैंड के ऊपर 4x4 ही चलेगी, जीप ही जाएगी ना। सो गाइस इनके पास सारे टाइप ऑफ यू नो प्लानर्स अवेलेबल हैं, अगर आपने ओपन सफारी करनी है, जीप सफारी करनी है, या फिर कैमल करनी है, या फिर स्टे करना है, या फिर बॉनफायर में बैठना है, सो यू कैन एक्चुअली कम बैक टू वोविन। I guess इतना आज के लिए बहुत है guys, and that's the actually view with the breakfast. I mean not the breakfast, it's a lunch. So मैंने lunch में मुझे mix मिला है. This is chaat paroti and this is paneer की सब्जी एक और दाल और I don't know this one. I'll taste it if this local. And थोड़ा सा cucumber नहीं दिया इन्होंने. Well okay. So guys छोटी सी बच्ची पट्टू खेल रही है, एक बार खेल के दिखाओ मुझे फटाफट पर से। यार आप लोग याद है बचपन में पिट्ठू खेलते थे लाइक छोटी सी उम्र में, उनका पिट्ठू बिल्कुल अलग है हमारे वाले से। थैंक यू, खेल लो यार आप जाते हैं, मैंने उसको डिस्टर्ब कर। हाँ हम लोगों का वो 3 4 5 6 7 ऐसे था। हाँ अच्छा हाँ अच्छा ओके हाँ अब बात करो आप मुझसे। हेलो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय वर्धन।
जयवर्धन है, मेरा नाम साक्षी है, और आपका नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह, मेरा नाम, मेरा चैनल का नाम साक्षी धंजल है। साक्षी धंजल, खमा गाड़ी, साक्षी धंजल। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? वहाँ पर पीछे अच्छा, वो भी घर है, पुराना घर है उसका भी। अच्छा, वो पुराना घर है, आप व्यू करवा दो तो आ जाओ। आओ ना, बिल्कुल आओ ना। हाँ, उनकी भी खींचनी है। अच्छा चलो, हम यहाँ पे अम्मा जी के साथ फोटोग्राफी कर रहे हैं, और पीछे हमारे यहाँ बैठी हुई अम्मा जी। बता चलूँ? अच्छा बैठो ना, बिल्कुल बैठो, ले ले मेरे तो ले बैठो। सो मेरी, आप कितने साल के हो? अच्छा मेरे बेटा कितने साल के? 70 में। ऐसे कैसे आपको 70? कितना? 70 में ना, 70 साल होते हैं ना, उससे 2 साल कम। अच्छा 68 इयर्स की अम्मा जी। तो इसी घर में रहते थे आप? यही वो, यही हमारा, यही सब, ये पोती है। अच्छा पोती है, वो पोतो है। अच्छा वो पोतो है, वो बहू है। अच्छा विक्रो महीना है, वो बहू बीजी है, मनिल बहू। कैसा व्यू गाइस, ये मेरे खिड़की का व्यू है शाम के व्यू के साथ। मोबिन में स्टे कर रही हूँ, पंखा चलाया हुआ क्योंकि गर्मी है, सामान बिखरा हुआ है, बट व्यू बहुत प्यारा है। अब मैं रेस्ट मोड पर हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं 7:30 बजे एरोबिक्स करूँगी रिया तनेजा के साथ। ऑब्वियसली एक्सरसाइज नहीं छोड़ सकती ट्रैवलिंग से, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा वेट ही पुट ऑन हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, और कमेंट करके बताना आपको ये जगह पसंद आई, आई मीन जहाँ पर मैं स्टे कर रही हूँ। सो टुमारो आई एम गोना शो यू द फोर्ट।